हाँ गए तो अंडा बना के लाए तो चारों मिलके खाए थे थोड़ा थोड़ा हाँ। थोड़ा थोड़ा खाने के बाद चक्कर इसको आने लगा था। वो लगा कि हमको लगा कि दीदी इसको कम हो रहा है उसी वजह से इसको ऐसे हो रहा है। इसको लेके आए मतलब खाने डॉक्टर साहब से तो वो दीदी गिरने लगा। उसके बाद फिर वो दीदी गिरने लगा चारों के बाद ये गिरने लगा। चारों के ला के हमको पारे और डॉक्टर साहब पानी चढ़ाए तब तो और यही लोग का अब ठीक है सर। मतलब जिस समय एक चारों गिरने लगे होंगे तो आप तो काफी डर गए होंगे। हाँ डर गए। कैसा माहौल लगा था? ऐसा लगा कि इसको क्या हो गया अचानक ऐसे गिर रहा है अचानक ही लोग एकदम अच्छी के तरह नियम करने लगा नशा के तरह नहीं इसको लगने लगा माथा दर्द करने लगा पूरा चक्कर दम पूरा। सब लोग यही काम करते हैं अनुमंडल स्तर बाद में? किस पद पे सर? सफाई कर्मी है। जीविका कहते हैं क्या नाम हुआ आपको? अंडा खाने के बाद चार महिलाएं जो है जिसमें यहाँ की कर्मचारी काम करने वाली स्वीपर सर थी वो जाकर अंडा खा ली। उसके बाद सबको चक्कर एक साथ सबको चक्कर आने लगा। फिर आ गए अस्पताल में भर्ती हुई चारों पर महिलाएं सभी को दवा शुरू किया गया। उसके बाद ठीक है महिलाएं सब ठीक है अब खतरे से बाहर है। हाँ तो क्या सर डायरिया की आशंका है सर? मेबी कि कुछ अगर इलाज नहीं होता तो आगे बढ़ता मामला। तो सर उल्टी जैसा एक उल्टी जैसा बता रहे थे लेकिन बाकी सब सुरक्षित है और अभी खतरे से सभी बाहर है। इस मौसम में सर क्या सावधानी बरतनी चाहिए अगर एक अंडा खाने से अगर इस तरह से परेशानी हो जाती है? पहले तो मतलब सफाई का ध्यान रहना चाहिए है ना और अच्छे जगह से अगर कुछ खाना पीना भी है तो कहीं भी ठेला पर या कहीं गंदी जगह नहीं अच्छे जगह जाके खाना खाए और या फिर कोई भी चीज़ बाहर की चीज़ें कोशिश करनी चाहिए कि नहीं खाएं घर की बनी हुई चीज़ें खाएं ताकि उन्हें सुरक्षित रहे। क्या परिचय? मेरा नाम डॉक्टर अनिल कुमार।